दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो भी हमारे ग्लैंड हमारे स्टोमिक के अंदर पाए जाते हैं बेसिकली उन्हीं को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं बात करूँ कि बहुत ही क्यूरियल रोल प्ले करता है हमारे गैस डाइजेशन और बोलस में। ठीक है, क्या करता है कि बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है, वाटर लाइक फ्लूइड रिलीज करता है। ठीक है, जनरली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाने जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस कुछ नहीं होता, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है जब हमारे HCL कह लीजिए और पेप्सिनोजेन निकलता है, साथ ही साथ में वाटर लाइक फ्लूइड निकलता है। ठीक है, जो कि डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। और भी बहुत सारे जो सब्सटेंस निकलते हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं वो क्या होता है, वो जनरली हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाने जाते हैं। इनको सेपरेट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मैं बात करूं कि टोटल जो हमारे इसको दो भागों में फर्दर डिवाइड किया गया है और अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो होता है हमारा एग्जोक्राइन ऑक्जिमेटिक ग्लैंड होता है। सेकंड वहीं मैं बात करूँ तो हमारा एंडोक्राइन पाइलोरिक ग्लैंड होता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनका कंसंट्रेशन की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे आयोनाइज सबस्टांस पाए जाते हैं, साल्ट पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया हमारे पास, पोटासियम हो गया और साथ ही साथ लूमेन हो गया, ये सब पाए जाते हैं उसके कंसंट्रेशन में। अब मैं बात करूं कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो कितना एवरेज निकलता है, तो एवरेज की मैं बात करूं तो 1 लीटर से 2.5 लीटर तक हमारे एडल्ट बॉडी में निकलता है। ठीक है, ये कुछ थे। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे जो इंटरनल वाल होते हैं उसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, लगभग मिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। ठीक है, उन सभी सेल को मिला के कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि बहुत सारे एग्जाइम को रिलीज करते हैं, लेकिन एक वीडियो में उन हजारों या लाखों ग्लैंड को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू सेल्स बहुत सारे सेल्स को बारे में हम लोग जानकर हम लोग जानेंगे कि किस सेल का या किस ग्लैंड का क्या काम है। ठीक, हेलो भाई, आइए अब मैं बात करने वाला हूँ म्यूकस नेक सेल के बारे में। वही सेल है जो हमारे म्यूकस को रिलीज करता है और क्या करता है, HCL से प्रिवेंट करता है। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग एसिड जब हमारे शरीर पर गिरता है तो वो जल जाता है, भस्म हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही हमारे म्यूकस एक म्यूक्सिन रिलीज करता है तो वो क्या करता है, एक लेयर का फॉर्म कर लेता है जो कि हमारे इंटरनल वॉल ऑफ स्टोमेज में प्रेजेंट होता है। म्यूकस वो क्या करता है कि एसिड से रिएक्ट नहीं होता है और वो क्या करता है, एक तरह से बैरियर का काम करता है जो कि एसिड हमारे अंदर ना जा पाए और रिएक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, म्यूकस का काम होता है जो म्यूसिन रिलीज करके HCL से प्रोटेक्शन का काम करता है। साथ ही साथ में ये वाटर जैसे सबस्टांस को भी रिलीज करते हैं जो कि हमारे वाटर होता है वो डिहाइड्रेशन को मेंटेन कर। जो हमारा स्टोमिक होता है उसके सेल की बात करूँ तो जनरली 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेल होता है। ठीक है, सेकेंड की मैं बात करूँ तो चिप सेल होता है। ठीक है, थर्ड की बात करूँ तो म्यूकस नेक सेल होते हैं। फोर्थ की बात करूँ तो इंट्रो इंडोक्लाइन सेल होते हैं। ठीक है, अब आइए इन सभी को हम लोग एक एक करके जानते हैं। और होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लाइपेज का भी सिक्रेशन करते हैं जो कि जनरली फैट का डाइजेशन करता है। ये गाइस जब मैं बात करने वाला हूँ ऑक्जीमेटिक सेल्स के बारे में जो कि हमारे शरीर में स्टोमेज छोटा है इंटरनल वाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जनरली 3 ही एंजाइम होते हैं जो कि इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। फर्स्ट हमारा HCL, सेकंड हमारा इन स्ट्रिंग फैक्टर और थर्ड जो हमारा होता है हिस्टामिन। अब आइए इन सभी को अच्छे से हम लोग जानते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ जो हमारा HCL होता है, HCL नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि एसिड है, भाई सच में ही एसिड है। इसका pH वैल्यू बहुत ही कम होता है, जनरली 1.4 से 1.8 के बीच में लाई करता है। अब आइए इसके बाद की मैं बात करूँ कि HCL का क्या क्यूरियर रोल होता है जो प्ले करता है हमारे स्टोमक में। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, सबसे पहले जितने भी हार्मफुल सबस्टांस हम लोग बोलस के थ्रू लाते हैं तो उनमें से चुन चुन के भाई उसको मारने का काम करता है, मीन्स पाइथोजेन एंटीजेन माइक्रोब्स इसको मारने का काम करता है। सेकेंड में क्या करता है, केमिकल डाइजेशन ऑफ बोलस करता है। ठीक,
तो उसको भी खूब मारता है। और क्या करता है कि जो हमारा फूड था उसको एसिडिफाई करने का काम करता है थर्ड पर्सन। उसके बाद क्या करता है कि ये क्या करता है कि जो हमारे HCL होते हैं ना, वो बहुत सारे एंजाइम को जो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा पेप्सिओजेन हो गए, प्रोरेरिन हो गए, इसको क्या करता है एक्टिव करने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इन फैक्टर की, जो हमारा इन स्ट्रिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत सारे ही डाइजेशन में मदद करता है। यहाँ पर विटामिन B12 की मदद करता है डाइजेशन में। अगर विटामिन B12 के डाइजेशन में मदद नहीं कर रहा है तो हमारा पीडीसीन एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गए दो। अगर हिस्टामिन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है कि बहुत ही क्लियर रोल प्ले करता है, बाइकार्बोनेट रिलीज करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है पीएच बफरिंग का भी रिलीज होता है, ठीक है। ये क्या करता है पीएच को कंट्रोल करने का एक काम करता है, जो कि हमारा क्या होता है हिस्टामिन जो एग्जाइम होता है पीएच को क्या कर। अब लास्ट जो हमारा है इंटो इंडोक्लाइन सेल की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे बसल्स रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जनरली 3 सेल को रिलीज करते हैं। फर्स्ट हमारा है इंट्रो क्रोमैफिन, जिसे हम लोग ECL के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या काम होता है, ये हमारे हिस्टामिन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि पीएच कंट्रोल का भी काम करता है, अभी हमने देखा था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जी सेल को रिलीज करता है। और जी सेल क्या करता है, जी सेल भी होते हैं वो क्या करता है, जी सेल जो होता है वो हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन निकालता है जो कि गैस्ट्रिन एसिड का रिलीज करता है। उसी तरफ दूसरी तरफ मैं बात करूँ सेल की अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोमिन स्टार्टिंग नाम की एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से निकलता है। वो क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और ये हमारे हो गए पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड के पार्ट थे।